हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार एक टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू इंस्टॉल एलईडी आरजीबी इन योर गेमिंग रूम। तो उस वीडियो पे इतना तगड़ा रिस्पांस आया कि मैं तो बौखला गया लिटरली। उस वीडियो पर अब 2 लाख व्यूज होने वाला है, तो उसका मैंने पार्ट 2 बनाया और उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में पार्ट 3 आ रहा है कि बेस्ट आरजीबी प्रोडक्ट्स फॉर योर गेमिंग रूम अंडर 1000 रुपीज। तो इस पे बहुत कमाल के मैं आपको चीजें बताने वाला हूं जो आपके गेमिंग रूम में तो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज तुम्हारे गेमिंग रूम में नहीं होगी तो तुम्हारा रूम अच्छा नहीं दिखेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी सब्सक्राइबर का रूम अच्छा ना दिखे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ। भाई ये मेरा सबसे फेवरेट आरजीबी प्रोडक्ट है, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। ये मेरे कमरे में दो लगा हुआ है, एक लेफ्ट में एक पीछे राइट पे लगा हुआ है, जो इस कमरे की लाइटनिंग है सिर्फ इन दो फ्लड लाइट से होती है और दोनों का बजट सिर्फ 500 रुपये के अंदर सब कंप्लीट हो जाता है। तो ये है अपनी 50 वॉट की आरजीबी एलईडी फ्लड लाइट। ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में आती है, आपको अमेजोन के पेज पे जाओगे तो तुम्हें लाखों वैरायटी दिख जाएंगी, बट जो बेस्ट है यार ये अपनी 200 रुपये की जो आती है, मेरी फ्लेमिंगो कंपनी की थी, ये एक्वा करके है। मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सब चाइनीज़ हैं, सब चाइनीज़ मेड हैं और अलग अलग पैकिंग में आती है, बट जो उनके अंदर का मटेरियल होता है वो सेम होता है। 200 रुपये की एक लाइट होती है, 2 का पैक आप आराम से ले सकते हो, 2 आपको आराम से 400 की पड़ जाएंगी और बहुत ही कमाल की चीज़ है। हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसकी वायरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वायर्स लगाने पड़ते तो यार थोड़ी दिक्कत रहती है, बट उसको सब छोड़ के सब कुछ बढ़िया है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। मैं इनको 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और वो वीडियो बने में भी 1 साल हो गया, तब से ही अभी तक बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में चल रही हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही तगड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके गेमिंग रूम का, और सिर्फ ये 2 लाइट आपका पूरा रूम लिट अप कर सकती है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट आती है अपनी आरजीबी स्ट्रिप लाइट। ये बहुत ही कमाल की लगती है, इसमें बहुत कमाल के आप एनिमेशंस बना सकते हो। ये सेकेंडरी चीज़ हो जाती है अगर आपको रूम में कुछ लगाना है, जो कि जैसे मेरा बेड है, जैसे टेबल है, उसके अंडर लगाना है। लाइक मेरे पुरानी वीडियोस देखी होगी तुमने तो उसमें बेड के नीचे आरजीबी स्ट्रिप लाइट थी, बट वो मैं जब मैं बेड इधर खिसकाया तो वो कट गई गलती से। इसको मेरे को और ऑर्डर करना है, बट फॉर नाउ अभी मेरे पास वो है नहीं। बट बहुत कमाल की होती है, वाटर प्रूफ भी आती हैं, विदाउट वाटर प्रूफ भी आती हैं। तो जो बिना वाटर प्रूफ की आती है वो 250 रुपये तक आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर अमेजोन पर जाएंगे तो 289, 429, 399, 349 तक की आती हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि ये पेज का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जैसी 250 के अराउंड या 300 के अराउंड आती है तो आप उसको परचेज कर लेना और इसमें से कोई सी भी उठा लो, सब मोस्टली सिमिलर रहती है, कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है। आप अपने घर के पास कोई लोकल शॉप में भी पता कर सकते हैं वहाँ पे प्राइस क्या है, बट अराउंड 250 to 300 rupees विल बी द बेस्ट बाय। अब चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। ये चीज़ मेरे को पर्सनली खरीदनी थी क्योंकि मेरे को स्मार्ट अप्लायंसेस बहुत तगड़े लगते हैं, इसमें ये सबसे पहला आता है जो मेरे को खरीदूंगा अगर जब बजट होगा तो। तो ये है अपना विप्रो का 9 वॉट का 12 मिलियन कलर्स का एलईडी बल्ब। ये आरजीबी नहीं है, इसमें एआरजीबी आती है। एआरजीबी में एड्रेसेबल आरजीबी होती है जिसमें आप सिर्फ 20 या सिर्फ ये जितने रिमोट में कलर हैं इससे ज़्यादा आप कलर्स बना सकते हो। ये आरजीबी के कलर्स हैं 15 कलर्स ही आते हैं और कुछ ट्रांजिशंस आ जाते हैं, बट जो हमारा ये बल्ब है इसके अंदर 16 मिलियन कलर आ सकते हैं। सो यस, 16 मिलियन कलर बहुत बहुत तगड़ा स्पेक्ट्रम है। आप डार्क येल्लो से लाइट येल्लो, डार्क रेड से लाइट रेड, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, ये सारे कलर इसमें मिक्स आते हैं। तो याद यार 16 मिलियन कलर जो आप इसमें बना सकते हो, बहुत कमाल के आप एनिमेशन भी ला सकते हो। और ये बल्ब 9 वाट का, तो आप इसको एज अ नॉर्मल एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हो और ये भी आपके रूम को पूरा लाइट अप कर सकता है और बहुत ही कमाल का रहता है। थोड़ी ये जो एलईडी बल्ब हैं ये 50 वाट के हैं, ये सिर्फ 9 वाट का है, तो आप अंतर दे सकते हो कि उसकी लाइटिंग इंटेंसिटी इनसे कम रहने वाली है, बट स्टिल ये बहुत ही कमाल का। अगर आपके पास एलेक्सा है या फिर गूगल असिस्टेंट, आप उससे भी इसे कंट्रोल कर सकते हो कि अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट या फिर गूगल टर्न ऑन माय स्मार्ट लाइट। और ये आपको कलर के साथ साथ फ्लेक्स करने की चीज़ भी है, तो या आप अपने वॉइस कंट्रोल से इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसी का एक नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आता है, अगर आपको और ज़्यादा लाइट चाहिए तो 20 वॉट की ट्यूब लाइट आती है। मतलब सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, वो बल्ब था ये ट्यूब लाइट है, तो इसका ज़्यादा बड़ा एरिया होगा स्प्रेड करने का और ये आपको ज़्यादा कलर देगा। जैसे आप अमेजोन के पेज पर देख सकते हो, इसका जो कलर इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है अपने बल्ब से। और ये भी सारे सेम फीचर्स के साथ आता है, 16 मिलियन कलर्स, 20 वॉट का है, कमाल का चलता है। अमेजोन अलेक्सा से कंट्रोल करो, किसी से भी कंट्रोल करो और भाई कसम से मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को लगा दो कमरे में। ये मैं सोच रहा हूँ जो पीछे वाला मेरा एलईडी पैनल इसको हटा के मैं यह लगा दूँ। बट मेरे को एक बहुत कमाल का ऑल्टरनेटिव मिला जिससे आप अपने कोई से भी ट्यूबलाइट, कोई से भी बल्ब या किसी को भी आप आरजीबी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो प्रॉपर आरजीबी नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम कलर जेल्स। अभी तुम ये प्राइस देख के चौंक गए होगे कि भाई 1000 रुपये से बढ़िया मैं लाइट ही ना खरीद लूँ। तो आपको यार ये एग्जैक्टली अमेजोन से नहीं खरीदना, आपको अपने घर के पास कोई दुकान पे जाना है और वहाँ से जो प्लास्टिक की शीट आती है उसको लेके आना है।
तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जो हमारी नॉर्मल प्लास्टिक की शीट आती है वो इतनी पतली होती है कि वो लाइट को अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पाते, इसलिए जो कलर प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको डिफ्यूजर वाली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक मोटी पन्नी की आपको कोई कलर पन्नी लानी है, वो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, जैसा कलर आपको अपनी लाइट में चाहिए वैसा लाना है। और मेक श्योर करना वो जितनी ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट हो और जितनी ज़्यादा थिक हो उतना बेटर होगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो पैक उठा ले कि उसमें से लाइट ही पास नहीं हो रही, तो इतनी मोटी मत लेके आना, पतली लेके आना, बट इतनी लाना कि उसे लाइट पास हो और वो अच्छे से डिफ्यूज हो और उस डिफ्यूजन में उसका कलर मिक्स हो जाए और आपके रूम में रेड, ग्रीन या ब्लू लाइट मिले। तो ये जेल्स हैं, ये जेल्स बहुत महंगे होते हैं, ये जेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये जेल एक जो मेरे रिंग लाइट के अराउंड लगा इस वाले मटेरियल से बना हुआ होता है, इसलिए महंगा होता है, बट आप अपने लोकल स्टोर पर जाएंगे तो 100 रुपये तक आई विल गैस की बेस्ट बाय होगा, 100 रुपये के अराउंड आपको मिल जाएंगे, 3-4 कलर खरीद लेना और अपने पुराने ट्यूबलाइट या CFL पे लगा देना। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने ट्राई करा है कि हर तरीके के ऑल्टरनेटिव आपके साथ ला सकूं, अगर थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं। तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं, और चैनल पर किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन पर बता देना। प्लीज़ मेरे और 3 चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं रेगुलर कंटेंट डालते रहता हूँ, और मेरे को इंस्टाग्राम पर कर लेना फॉलो ताकि तुम मेरी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े रहो, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना ताकि हम सब बात कर सकें इन्हीं RGB प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।